हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा। रेसिपीज मैं लेके आता हूँ आपके लिए नई हर बार, जिसे खा के उंगलियां चाटते रह जाते हैं आप बार बार। फिर क्या सोच रहे हैं, चलिए हमारी किचन में हमारे साथ कुछ नया बनाते हैं और सबको अपना फैन बनाते हैं। दोस्तों, खाते ही रह जाओगे जब ये आप बनाओगे करौंदे की चटनी। सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमने जिस तरह से बनाई है उसी तरह से आप बनाएं, आपको मजा आ जाएगा। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम हमने यहाँ पे करौंदे लिए हैं। इनको पहले आपने अच्छे से धोना है, धोने के बाद कट करना है। ये हमने पहले से कट किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। 4 पीसीज में हमने इसको कट किया है। ये इस तरह से मार्केट में मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर बीज होता है, वो आपने निकालना है। ऐसे आप कट कर लेंगे नाइफ से, ये आप देख सकते हैं। ये बीज है इसके अंदर, इसको हमने निकालना है। ऐसे आप निकाल लेंगे, इजीली रिमूव हो जाता है, ये आप देखिए। और ऐसे आपने कट कर लेना है। ऐसे ही हमने सारे कट किए हैं, ये आप देखिए। चलिए आगे चटनी बनाना शुरू करते हैं। अब हमने करौंदे को कुक करना है। ये सारे डाल देते हैं और साथ ही इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मिक्स कर देते हैं और साथ ही हमने इसमें चीनी डालनी है। जितने हमने करौंदे लिए थे उतनी आपने चीनी लेनी है। 100 ग्राम हमने करौंदे लिए थे, 100 ग्राम आपने चीनी लेनी है। बहुत ही चटपटी मजेदार चटनी बन रही है, जो भी एक बार खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे रेसिपी जरूर मांगेगा। अचार तो आपने बहुत खाए होंगे करौंदे के, करौंदे का अचार भी हमने डाला हुआ है। आप राइट साइड पे ऊपर लिंक देख रहे होंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए बना रहे हैं करौंदे की चटनी। ऐसे इसको 5 मिनट कुक होने देते हैं, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 5 मिनट हो गए हैं करौंदे को ऐसे कुक होते हुए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे और नमक डालना है आपने स्वाद के अनुसार, और 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डालना है। मिक्स कर देते हैं। एक बार इस चटनी को आप हमारे कहने पे जरूर बनाएं, बहुत मज़ेदार ये बनती है। इसको आप चपाती के साथ खाएं या परौंठी के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी पतली है, अभी काफ़ी पानी है इसके अंदर। अभी हमने पानी थोड़ा इसका सुखाना है। इसको ऐसे कुक होने देंगे 5 मिनट और, थोड़ी ये गाढ़ी हो जाएगी और करौंदे भी पूरी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। करौंदे काफ़ी खट्टे होते हैं, आजकल तो सीज़न भी है। आप करौंदे लेके आएँ, इसकी चटनी बनाएँ, फिर खा के हमें बताएँ कि आपको कैसी लगी। बस इसको ऐसे कुक होने देते हैं 5 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं मसाले डाल के चटनी को कुक करते हुए। यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब चटनी गाढ़ी हो गई है, ये आप देखिए। इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे और जैसे ये ठंडी होएगी और भी गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसमें एक इंग्रेडिएंट और जाएगा। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम उसको ऐड करेंगे। थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। दोस्तों, हमने एक नया चैनल शुरू किया क्विक रेसिपीज का, अमेजिंग शेफ्स। इसका लिंक ऊपर राइट साइड पे आ रहा होगा, आप जाए क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी वीडियोस पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टाइम पे चटनी पूरी रूम टेम्परेचर पे आ गई है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है, ये आप देखिए। अब हमने क्या करना है, इसमें विनेगर डालना है। 2 टेबलस्पून डालेंगे। विनेगर क्या करेगा, इस चटनी को खराब होने से बचाएगा। 3 महीने तक ये चटनी खराब नहीं होगी। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज के अंदर रखें, फिर जब आपने खानी हो निकालें और खाएं और मजे लें, ये चटनी बनके एकदम तैयार हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।